हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से लड्डू। और ये लड्डू मुंह में घुल जाने वाले लड्डू है। इनको बनाते टाइम हम इसमें गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना गैस जलाए ही ये स्वादिष्ट से लड्डू हम आज बनाएंगे। तो चलिए इनको बनाना हम शुरू करते हैं। इनको बनाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो होममेड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने एक कटोरी से कम यहाँ भुगड़े ले लिए हैं, जो बाजार में आमतौर पर ये भुगड़े बिना छिलके वाले भी मिलते हैं और छिलके वाले भी मिलते हैं। आप इनको कौन से भी आप ले सकते हो। अगर छिलके वाले लो तो आप इनके छिलके उतार लीजिए, ये मार्केट में बिना छिलके वाले भी मिल जाते हैं। अब इनसे ही हम बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनाएंगे। अब ये देखिए, मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब इसमें हम 20-25 बादाम डाल लेंगे। 20-25 इसमें हम काजू डाल देंगे। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट हो जैसे पिस्ता हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अब 6-7 इसमें हम हरी इलायची डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम पीस लेंगे। मिक्सी जार का ढक्कन लगा देंगे और इनको हम पीस लेंगे। इनका एक बारीक सा हम पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इसका मैंने एक बारीक सा पाउडर बना लिया है। ये देखिए, अब इसमें हम ये जो हमने भुगड़े लिए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसमें हमने डाल दिए। अब इसको फिर से ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। इसका भी एक बारीक सा पाउडर हम बना लेंगे। ये देखिए, इसको भी मैंने पीस लिया है। ये देखिए, इसका भी एक बारीक सा पाउडर बना लिया है हमने। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको पहले मैं कटोरी में निकाल कर देखूंगी। कटोरी में निकालेंगे पहले इसको हम। ये देखिए, इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया है। इससे इसका हमने नाप ले लिया है कि हमारे पास कितना ये पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, हमारे पास एक कटोरी ये पाउडर बन गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, एक बर्तन में इसको हमने निकाल लिया है। अब जितना हमारा ये पाउडर बनकर तैयार हुआ था उतनी ही हम इसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए, एक कटोरी मैंने पिसी हुई चीनी ले लिया। इतना ही हमारा पिसा हुआ पाउडर था और उतना ही हमने इसमें चीनी का पाउडर ले लिया है। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम देसी घी डाल देंगे। ये देखिए, एक छोटी हाफ कटोरी है। और अब देखिए, चम्मच से इसमें घी डाल लीजिए। इसमें हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसके हम लड्डू बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें हमें घी डालना है। अगर आपको ऐसे अंदाज ना आए तो आप चम्मच से पहले 2 चम्मच डालकर देख लीजिए मिलाकर। अगर आपके लड्डू इससे बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो आप 2-3 चम्मच इसमें घी और डाल दीजिए और फिर इस सभी सामान को आप मिक्स कर लीजिए। देखिए, घी को अच्छे से आप इसके अंदर मिक्स कर दीजिए ताकि हमारे लड्डू आसानी से बन जाए। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए, अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें से हम ले लेंगे और देखिए ऐसे इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, आसानी से हमारे लड्डू बन रहे हैं। इसमें हमें कोई और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर घी का अंदाजा ना हो तो आप चम्मच से डाल कर देख लीजिए, ज़्यादा घी इसमें मत डालिए। अगर ज़्यादा घी डल गया तो ये हमारा जो पाउडर बहुत पतला हो जाएगा और फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। इसमें हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, अब ऐसे इसके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, सारे इसके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये
ये देखिए हमारे सारे लड्डू अब बनकर तैयार हो गए। देखिए कितनी जल्दी हमारे ये लड्डू बन गए और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी बनते हैं। और इसमें हमें कुछ ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती, झटपट से हमारे ये टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर आप इनको बनाकर देखिए, आपको भी पसंद आएंगे और ये बहुत ही जल्दी बनने वाले लड्डू है और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बनाइए ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू और इंजॉय कीजिए। और इनको आप स्टोर करके भी रख सकते हो या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो इनको आप अपने साथ भी ले जा सकते हो, ये जल्दी से खराब नहीं होते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।